गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। सो यहाँ पे हुई है सुबह, और मैं आपको बता दूं कि कल बच्चों के डैडी को थोड़ा सा इंजेक्शन लगा था और कोविड बूस्टर लगा था मॉडर्ना का। सो जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियोज में भी मैंने आपको बताया था, हमारा फर्स्ट वीडियो था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो उसमें जो इनकी अमर की तबीयत खराब हुई थी, सेम टू सेम वैसी की वैसी इस वाले में भी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई है। सेकंड वाले में भी थोड़ी खराब हुई थी, थर्ड वाले में थोड़ी सी खराब हुई है क्योंकि बूस्टर है। एंड इट डिपेंड्स ऑल्सो कि आपका कैसा इम्यून सिस्टम भी है, तो इतना फाइट नहीं कर पाया, तो वो थोड़े से वीक वीक से हो गए हैं। आज कल रात से ही उनका हाथ थोड़ा सा दर्द हो रहा था और अभी थोड़ा सा बुखार जैसा हो रहा है, लेकिन दोपहर तक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे वो। सो बेसिकली यहाँ पे मैं और बच्चे अपने काम कर रहे हैं, बच्चों के डैडी लेटे हुए हैं, वो अपना लेटे लेटे काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे आई हूँ किचन में थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करूँगी। आज बना रही हूँ चाय, बच्चों का दूध, और मेरे पास गार्लिक फ्रेंच टोस्ट पड़ा हुआ है, वो बनाती हूँ, और साथ में अगर बिस्किट वगैरह तो हम लोगों के रहेंगे, टोस्ट वगैरह तो हम लोगों के रहेंगे ही सही। सो बेसिकली, और फिर उसके बाद मुझे आज दिन भर में बहुत छोटे छोटे से काम करने हैं। छोटे छोटे क्या, बहुत ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं, जब करने जाते हैं तब पता पड़ता है कितना बड़े बड़े काम है। एक्चुअली मुझे अपने जो प्लांट्स के पोल वगैरह सब तैयार करने हैं वो मुझे करना है, थोड़ी सी मिट्टी भी ऊपर नीचे करनी है ताकि प्लांट्स की टिक्कियाँ भी कर सकूँ, वो भी करना है, ऊपर कमरा ऑर्गेनाइज करना है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब करनी ही है। और ऐसा लगता है वीकडेज में बहुत सारे काम हैं, पर जब वीकेंड आता है तो लगता है थोड़ा रेस्ट कर लें, लेकिन रेस्ट तो क्या होगा, वो घर के काम तो चलते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हर दिन कुछ ना कुछ भगवान सिखाता भी है, दिखाता भी है, और नया ही देखने को मिलता है। सो बेसिकली, और मैं आपको बता दूं कि सुबह का टाइम है, और जब हम लोग सुबह उठे थे ना, तो आज माहौल ऐसा है कि आज बादल छाए हुए हैं, हल्की सी ठंडक है बाहर मौसम में, और सूखे सूखे ड्राई कोल्ड सा लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा फ्रीजिंग कोल्ड नहीं है कि जिससे आपकी हड्डियां दर्द करने लगें, वैसा ठंडा नहीं है, ठंडा है, मतलब कोट पहन के जा सकते हैं। सो बेसिकली, और हवा बिल्कुल नहीं चल रही है आज के दिन, और कहीं जाना नहीं है क्योंकि हम लोग भी अवॉइड कर रहे हैं। एज यू नो, आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा कि जैसे कोविड का वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन करके, सो बेसिकली, और बहुत ज्यादा गवर्नमेंट भी ये बोल रही है कि जहां तक हो सके इंडोर ही रहें, ये सब गैदरिंग्स वगैरह अवॉइड करें, फिर से वो लिमिटेशन और फिर से वही बंदिशें वगैरह रेस्ट्रिक्शंस होने वाली हैं। सो बेसिकली सब अपना ध्यान रखें, आप लोग भी अपना ध्यान रखें, हम लोग भी हमारा ध्यान रख रहे हैं, और हम लोग भी अवॉइड ही करेंगे अब जाना आना कहीं पे भी, और जब भी जाएंगे तो घर से घर ही जाएंगे, जैसे यहाँ से फिर ही जाएंगे, बाकी हम लोग बाहर जाना थोड़ा अवॉइड ही करेंगे अब, क्योंकि एक तो ठंड भी आ गई है, ठंड की वजह से भी मैं बच्चों को लेके बाहर नहीं जाती हूँ क्योंकि हमारी सबकी तबीयत खराब होने लग जाती है। और सो बेसिकली, और आप एक दिन बीमार होते हैं अगले 10 दिन खराब हो जाते हैं, तो वो काम करना ही क्यों, तो बेसिकली। सो ऑलराइटी, तो यहाँ पे हुई है सुबह, अब मैं करती हूँ नाश्ते की तैयारी और मिलती हूँ आप लोगों को नाश्ते के बाद। और रियल क्विक में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बच्चों के डैडी अभी क्या कर रहे हैं। हाय, बूस्टर के बाद थोड़ा साइड इफेक्ट हुआ है, होपफुली रिकवर हो पाऊँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बस खड़े भी नहीं कर हो सकता हूँ, जैसा पूरी बॉडी दुख रही है, पर स्टिल प्रोडक्टिव होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा काम एटलीस्ट निपटा पाऊँ, और होपफुली दोपहर तक जब मेरा फूड वगैरह पानी वगैरह इनफ पीऊँगा तो आई थिंक सब मेरा स्टार्ट फीलिंग बेटर, तो देखते हैं। चलो काम तो फिर भी कर ही रहे हैं, चाहे बीमार हो कुछ भी हो, सब करना ही पड़ता है यहाँ तो। सो आपको बॉडी चिल हो रहा है कि बॉडी एक हो रहा है? चिल, हेडेक, सेम थिंग, सारे जॉइंट, पर लास्ट टाइम से इतना ज्यादा डाउन नहीं लग रहा है, राइट? आई मीन 70%, अभी 100% तो नहीं लग रहा है फीलिंग, पर 70% तो उसने बताया, ऐसा लग रहा है किसी ने जकड़ लिया, यू नो, राइट, और ऐसा लग रहा है बस निकल नहीं पाएंगे थोड़ी देर तक, राइट। सो दोपहर तक आप अच्छे से हो जाओगे और सबको हेलो हाय करोगे फिर से, राइट? या मैं तो जल्दी चाहता हूँ ताकि बच्चों के बहुत सारे काम पेंडिंग है इस वीकेंड के। ऑलराइटी, देयर वी गो। हे आदि, व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर? डू यू सी दिस राइट हियर? व्हाट इज इट? आई एम मेकिंग द डेथ मैच, द स्क्विड गेम फाइनल डेथ मैच। पुट इट ओवर हियर, शो इट टू अस। What is this? This is what is it? 1, 2, 3, 4. This is sand. This is sand. Mm-hmm. And these players from Squid Game will fight. Okay. Ooh, that looks splotchy. Splotchy. And no, it's dotted because right here at this table can make it. Yeah. Prisha, look it over here. What are you doing? I am watching. So, no, don't worry. Look it over here, Prisha. What are you
you doing with this bunny ears? What are you doing with this bunny ears? I'm playing with them and being a bunny. Show your bunny jump. Everyone, bunny jump. Also, subscribe to my mom's channel. Yeah. I mean, mommy's channel. Jumpy. Prisha, jump. My little bunnies, Adi and Prisha, right? आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ये सिर पे कौन सा बैंड लगा रखा है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी सुबह सुबह क्या मैंने सिर धोया था ना, तो सिर धोने के टाइम पे ना हेड रैप भी है मेरे पास और हेड बैंड भी है, तो मैं दोनों में से जो भी मिल जाता है वो मैं लगा लेती हूँ, कभी ये कभी वो, ऐसे करके। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो बाल धोते हैं और जिन लोगों को हल्का ठंडा लग जाता है ना बाल धोने के बाद, तो बेसिकली उनके लिए ये सबसे अच्छी चीज है, कोई बाहरी हवा ना लगे और ये जो बहुत ठंडा रहता है ना तो वो ठंडक ना लगे और सर्दी ना हो, इसलिए पहना जाता है। तो बेसिकली मेरे को क्या है ना कि मैं अगर जरा सा बाल धो लेती हूँ या बाल गीले हो जाते हैं ना, एक तो सूखने में भी टाइम लगता है और जब तक वो सूखते नहीं है ना तब तक मुझे सर्दी या नाक बहने के प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए मैं ये हमेशा बैंड लगा के रखती हूँ। और यहाँ पे चाय बन रही है अभी और दोनों बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं मेरे साथ, वो अपना प्रेट्जल खा रहे हैं और उनके प्रेट्जल में नमक नहीं है, तो प्रिशा उसको नमक डाल के खा रही है, राइट आदि? प्रिशा लग रही है, सी हाय हाय लिटिल बनीज। डू यू ईट डोनट्स? यस। नो दैट्स नॉट फेयर। वेट, यू ईट पाउडर डोनट्स इन द मैं बच्चों को गैस के पास नहीं आने देती हूँ, क्योंकि गैस के पास आने ना रिस्क रहता है, और जब भी मैं आने देती हूँ ना तो मैं हमेशा अपनी निगरानी में ही आने देती हूँ गैस के पास। घर में इतने छोटे 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 रोज के इतने काम रहते हैं ना, चाहे वीकेंड हो चाहे वीकडे हो, कहाँ जाते हैं पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप काम में लगे होते हो ना तो आपका ये चीज पे ध्यान नहीं जाता है कि आज सैटरडे है कि संडे है या वीकडेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये काम भी करना जरूरी है। अम्मा घड़ी हो गए, अम्मा पर्दे खोल देते, थोड़े थोड़े बादल छटे हैं तभी हल्की धूप जैसी दिखाई दे रही है ना, पूरे तो सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं पर थोड़े थोड़े हुए हैं, और हल्का नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है, अच्छा है। थोड़ा सा मौसम अभी थोड़ा खुला खुला सा दिखाई दे रहा है। मैं सोच रही हूँ कि अभी मैंने सिर का पट्टा वगैरह सब खोल दिया, बाल सूख गए थे मेरे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट से जाती हूँ, सबका नाश्ता भी हो गया है, लंच टाइम तक वापस से घर आऊँगी फटाफट और सारे काम निपटा लेती हूँ। मैं अभी जाती हूँ होम डिपो में, मेरे को रस्सी वगैरह ख़रीदनी है, देखती हूँ, और छोटा सा कुछ काम है तो वो भी देखती हूँ। और बाहर का मौसम मैं आपको बता दूँ कि राइट नाउ बाहर का मौसम हो रहा है 47 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ठंडा तो है लेकिन एज यूजुअल जो मैंने आपको सुबह भी बताया था कि इतना ठंडा नहीं है। बेसिकली जो मेरा बड़ा वाला ओवरकोट था वो मैंने नहीं पहना है, और हैट नहीं पहनी है, ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो इतना ठंडा नहीं है, ठंडा है लेकिन इतना ठंडा नहीं है कि यू नो हड्डियों को कड़कड़ा दे, वैसा ठंडा नहीं है। सो और मैं बता दूं कि सैटरडे संडे का टाइम है, सैटरडे है एक्चुअली ये, तो बहुत खाली खाली सा माहौल लग रहा है, कोई घर से बाहर नहीं निकला है, सिर्फ एक दो जिनको अपने पेट्स को थोड़ा सा राउंड पे लेके जाना है, डॉग वॉक करवाना है या कैट वॉक करवाना है, तो वो लोग ही निकले हुए हैं बाहर बस,
अपने पैट्स को लेकर. सो बेसिकली और हम लोगों की कम्युनिटी ना बहुत वैसे भी खाली खाली से रहती है. हमारी कम्युनिटी क्या मोस्टली मैं बता दूं आपको कि फॉरेन में ना ये यूएसए में मोस्टली लोग सैटरडे संडे को अपने फैमिली टाइम के हिसाब से ही सेट करके रखते हैं, क्योंकि वैसे भी वीकडेज बहुत ज्यादा काम रहते हैं सबके, तो सब अपने आप में बिजी हो जाते हैं. लेकिन सैटरडे संडे का टाइम ओनली फॉर फैमिली होता है, फैमिली टाइम ही होता है. सो हमारा भी आज फैमिली टाइम है, बच्चे और बच्चों के डैडी घर पे बैठे हैं, तो मैंने कहा कि मैं फटाफट से होम डिपो वगैरह होकर आती हूँ, फिर आप लोगों को खुद कैचअप करती हूँ. ऑलराइटी सेफे का काम हो गया है और इसी कॉम्प्लेक्स में डॉलर ट्री भी है, तो मैं डॉलर ट्री जा रही हूँ. अब अगर बाहर निकली हूँ और डॉलर ट्री ना जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो अभी जा रही हूँ डॉलर ट्री दूसरे काम करने के लिए. ये यहाँ का रीगल सिनेमाज है, जैसे इंडिया में रीगल सिनेमाज होते हैं ना, वैसे यहाँ का रीगल सिनेमा है ये वाला. एक्चुअली जिस कॉम्प्लेक्स में मैं आई हुई हूँ ना, यहाँ पे ना क्रिसमस का एक इवेंट चल रहा है जिसके अंदर सांता क्लॉस वाला और अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं जो आसपास के जो यहाँ परफॉर्म करते हैं, तो उनका बैंड चल रहा है यहाँ पे, तो बस उसी की आवाज आ रही है. और यहाँ पे इतना क्राउडेड हो रखा है, लेकिन मुझे डॉलर ट्री का काम है. हम लोग पहले भी आते थे जब कोविड से पहले वाले साल में, मैं 2-3 साल आई हूँ यहाँ पे, पर अभी क्या ना कौन रिस्क लेगा इतना वो, और बच्चों को लेके मैं आना नहीं चाहती हूँ क्योंकि हम लोगों का कहीं और जाने का प्लान है. सो ऑलराइटी यहाँ पे इतनी भीड़ जमी हुई है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है. डॉलर ट्री का काम हो गया है लेकिन बहुत क्राउडेड हो रहा है इस साइड पे. जा रही हूँ दूसरी साइड पार्किंग की तरफ. तो जी अभी टाइम हो रहा है दोपहर के नाश्ते का, तो अभी मैं चाय चढ़ाऊंगी और थोड़ा समोसा चढ़ा रही हूँ क्योंकि बच्चों को, बच्चों के डैडी को वो थोड़े से अच्छे हो रहे हैं. अभी सो रहे थे इतनी देर से, अब थोड़ा सा बोले हैं कि वो उठेंगे गर्म चाय पियेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैं साथ में ये समोसे बना रही हूँ, ये वाले दिल्ली समोसाज मैं लेकर आई हूँ और ये 599 के 12 पड़े हैं. ये जो उस दिन पीली गए थे ना, तो पीली से लेकर आए थे. बच्चे वहाँ पे मूवी देख रहे हैं, मूवी तो कम देख रहे हैं, मस्ती ज्यादा हो रही होगी. और जैसे कि आप सुन सकते हैं आवाज, और मैं सॉरी और मैं आपको बता दूं कि ये वाले खोले मैंने मंगाई थी, वेलवेट की हैं, बहुत ही अच्छी हैं. इसमें मैंने 2 कलर्स मंगाए थे, एक तो रेड और ब्लू कलर के, और जब ये मैं लगाऊंगी ना तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, ये बहुत अच्छे हैं. ये मैं पहले भी मंगा चुकी हूँ और इस बार मैंने फिर मंगा लिए, मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये. तो पहले मेरे पास दूसरा कलर था, लेकिन दूसरा कलर का ये हुआ था कि पहले वाले जो कलर थे ना वो थोड़े से व्हाइटिश कलर में थे, तो वो ऐसे थे कि एक दो बार चाय का दाग लग गया, फिर बच्चे केचप खाते हैं तो केचप का दाग लग गया तो खराब ही हो गए थे, और धो ना तो धोने से वो दाग नहीं जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, और बार बार धोने से ना ऐसी चीजें खराब होती हैं, तो डार्क कलर मंगाने चाहिए. और मुझे ना ऐसे छोटी छोटी चीजें ना बहुत अच्छी लगती हैं घर में बिछाने के हिसाब से. तो चलिए अभी इसको रखती हूँ साइड में, समोसे चढ़ाती हूँ. मैंने यहाँ पे ना झाड़ू वगैरह सब लगा दिया था, इतना कचरा हो रहा था सच्ची में, बहुत सारी चीजें गंदी हो जाती हैं, ये फ्लोर तो बहुत जल्दी गंदा होता है सीरियसली, चाहे लकड़ी का हो चाहे कोई भी हो. मेरा तो ये वुडन है तो ये पूरा दिखाई देता है, जितनी भी गंदगी होती है ना, चाहे बाल गिर रहे हो या कुछ ब्रेड क्रम्स हो या कुछ भी हो, सब गंदगी दिखती है. चलिए रखती हूँ मैं, और मतलब अपना समोसे रखती हूँ इसके अंदर, और साथ में ना मैं ये भी बना रही हूँ अपने लिए
पात्रा। तो ये पात्रा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये दीप के हैं, भगवती के बहुत अच्छे आते हैं। एक गरवी गुजरात के भी पात्रा बहुत अच्छे आते हैं, मसाले वाले आते हैं, बहुत ही अच्छे। और मैंने पता है घर में बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन हुआ क्या था कि अरवी के पत्तों का है ना, जब बनाया था ना मैंने, तो शायद वो कच्चा रह गया होगा, तो वो गले में ना ऐसे कांटे कांटे जैसा चुभ रहा था। घर में इतने अच्छे नहीं बनते हैं वो, तो जिनको ज्यादा प्रैक्टिस होती है वो ही बना सकते हैं, या ऑथेंटिक कोई किसी का हाथ हो तो वो ही बना सकते हैं। मेरा तो इतना नहीं है, मैं कभी कभी खाने के हिसाब से लेके आती हूँ। और बनाने की कोशिश करी थी एक बार, दूसरी बार फिर बनाने की कोशिश करेंगे, और दूसरी बार तो इतना ज्यादा गंदा बन गया था, ओ माय गॉड, वो तो बिल्कुल ही नहीं भाया था, कच्चा कच्चा लग रहा था, अजीब सा। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ समोसे और पात्रा और चाय चढ़ाती हूँ। समोसे ना अभी एक साइड के हो गए हैं, तो अब मैं इसे जरा से पलट देती हूँ, जो नीचे का साइड था ना उसे ऊपर कर देती हूँ, और जो ऊपर का साइड था उसे नीचे कर देती हूँ, इसे पलट दूंगी अपसाइड डाउन। एंड यू नो थोड़ा शफल करना पड़ेगा इधर उधर करके थोड़ा सा, ताकि वो ओवरऑल ही गर्म हो जाएगी। एयर फ्रायर है ना सबसे अच्छी चीज़ है, और थैंक्स गिविंग पे कुछ स्पेशली मैंने खरीदा इस बार, वो जब आ जाएगा ना तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। थोड़ा सा लेट चल रहा है, डिले हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का पेंडिंग चल रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो अभी आ जाएगा। वैसे कल का दिखा रहा है, कल अगर आता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और मेरे समोसे भी इधर लग गए, और साथ में मैं आपको बता दूँ ना, मैं ये लेकर आई थी सेफवे से, ये वाला, ये जो चॉकलेट रोल आता है ना, ब्राउनी रोल, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं पहले भी ला चुकी हूँ। और पहले तो मैंने एक बार किसी से बनवाया था, होममेड बना के दिया था उन्होंने, और इतना यम्मी बना था ना, तो अब वो खैर वो अमर के जब पेशेंट थे तो वो खुद बनाते थे, तो इस बार क्या है कि मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं लेके चलती हूँ, और बच्चों को भी खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी, अमर को भी खिलाऊंगी। अभी क्या ना सीजन चल रहा है, और हम लोगों को ना ऐसे नई नई वेरायटी मिठाई की ना ट्राई करते रहना बहुत अच्छा लगता है। देसी मिठाइयाँ भी खाते हैं, और साथ में ऐसे अमेरिकन स्वीट्स भी हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो कम मीठा होता है ना हम लोग वही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कम मीठा, कम बटर, कम घी वाला, यू नो वो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। नहीं तो एक तो घी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब बढ़ाता है, और हर टाइम घी 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 ये सब खा खा के भैया बहुत वो लगता है, क्योंकि पचता भी नहीं है, और शक्कर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा वो होती है, शुगरी शुगरी, तो इसीलिए। तो खैर एनीवेज, वैसे तो आप क्या क्या मना करोगे, क्या क्या कम करोगे कभी कभी तो ऐसा लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है अगर आपको खाना है तो क्वांटिटी कम कर दो कोई भी चीज़ की, और ज़्यादा अनलिमिटेड होके मत खाओ। तो खैर अभी मैं ये काटती हूँ, और फिर टेस्ट करते हैं हम लोग इसको, मैं स्लाइस कर देती हूँ। एक और जब पानी का भर के रख देते हैं अभी, तो ये शाम का पानी हो जाएगा, सुबह का एक जग भर आता है, और ये मैं है ना कोशिश करके इतना ही भरती हूँ हर बार, 2 लीटर 2 लीटर, सुबह का 2 लीटर और शाम का 2 लीटर, इन्हें 4 लीटर तो लग ही जाता है, तो ये आसानी हो गई है हॉट वाटर जग से।